मैं ये मानता हूँ कि अगर मोदी और हिंदुस्तान में नहीं हो तो अमेरिका से ट्रंप भी आ जाए तब भी उनको हरा नहीं सकते। जनता ने पूरी तरह कमर कस ली है, कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई धर्म नहीं, यहाँ सारे लोग एक मुश्त होके समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अपना यादव दो लोगों के यहाँ के नाम नहीं बता पाएंगे मौजूद लोगों के। उत्तर प्रदेश देखने वाला है, करल से रिकॉर्ड मतों से जीत होने वाली है, सिर्फ अखिलेश यादव ही है। यादव की बात कर और कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई मुकाबला नहीं। चुनावी बुगुल फूक चुका है, लगातार पार्टियां अपने चुनाव प्रचार को लेकर प्रचार कर रही हैं, उसी क्रम में लगातार नामांकन भी हो चुका है, तीसरे चरण का नामांकन होना है। नामांकन को लेकर जनपद मैनपुरी की जो सीट है काफ़ी चर्चा में है। जनपद मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर अभी बीजेपी का प्रत्याशी नहीं उतारा गया है, इसी प्रत्याशी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा चल रही है कि यहाँ पर अर्पणा बिष्ट जो है मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू है, वो यहाँ पर लगातार जो है उनकी चर्चा नाम की निकल कर आ रही है। हमारे साथ जनता कुछ मौजूद है जो प्रत्याशी की किस्मत तय करेंगे, हमारे साथ जनता मौजूद है। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है? अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ने का एक कारण ये भी है, वो स्थानीय और लोकप्रिय हैं, और दूसरा यहाँ पे चौमुखी विकास होगा और सारी जनमानस जो है इस बात के लिए खुशी है कि अखिलेश यादव यहाँ पे महसूस करे, हिंदू और मुसलमान ईद और दीपावली जैसा महसूस कर रहे हैं, और यहाँ से उनकी ऐतिहासिक जीत भी होगी। कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि चर्चा में है कि अर्पणा बिष्ट जो है मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू है, वो यहाँ से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा आ रही है, किस तरीके का रुझान रहेगा, किस तरीके से देखते हैं? कोई भी आए सबकी जमानत जब्त होगी, अर्पणा जी की तो और भी ज्यादा जब्त होगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, अगर यहाँ से अर्पणा बिष्ट जो मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू है वो यहाँ से चुनाव लड़ती है अखिलेश यादव के सामने, तो किस तरीके का माहौल रहेगा जनता के लिए? यहाँ देखिए, चाहे अर्पणा यादव हो चाहे कोई यादव हो, यहाँ पे पूरी तरह ये मुलायम सिंह यादव जी की कर्मभूमि है। अखिलेश यादव पूरी तरह दूध के धुले हुए प्रत्याशी है, यहाँ कोई जात बिरादरी के नाम पे नहीं, सारा जन समूह विकास के नाम पे, और पूरा जन समूह वोट देने जा रहा है अखिलेश यादव को। उनकी सरकार बनेगी निश्चित रूप से, और जो महंगाई है यहाँ जबरदस्त तरीके से, जो गरीब आदमी पिस रहा है महंगाई से, और बड़े लोग बड़े हो रहे हैं और गरीब भूखों मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। 60 रुपया लीटर जो पेट्रोल डीजल थी, बीजेपी सरकार कह रही थी कि ये कितना महंगा बेच रहे, अब वो 100 के पार हो गया है। कड़ुआ तेल खाने वाला चाहे कोई चीज़ ले लो, सारी चीज़ें 1000 रुपया हो गया जो और वो एक किसान सम्मान निधि के, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो नाम से जो सम्मान निधि दे रहे हैं वो 500 रुपया दे रहे हैं। उस 500 रुपये से एक बेटा अगर मोटरसाइकिल से करहल आए काम करने तो उसका क्या खर्चा 500 रुपया चलेगा? और ये सरकार कह रही मैं सम्मान निधि दे रहे हैं अन्नदाता को, तो ये जो महंगाई है मूल रूप से, और जो बेरोजगार है, इन 5 वर्षों में जो बेरोजगार जो लड़का 18 साल का था वो अब पूरी तरह से नौकरी उससे निकल चुका है, बेरोजगार हो गया, ये कहाँ जाएगा? पूरा आदमी परेशान त्रस्त इस सरकार से, इसे निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने पूरी तरह कमर कस ली है। कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई धर्म नहीं, यहाँ सारे लोग एक मुश्त होके समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, अखिलेश यादव को वोट करेंगे। चूंकि यहाँ से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, और ज़्यादा अच्छा हम लोगों को एक मौका मिलेगा करहल से VVIP जो सीट हो गई है, इस जनमानस पूरी तरह यहाँ किसी कौम धर्म जात सारे के सारे एक खड़े हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, युवा जानेंगे कि युवा जो है आज का किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगा, और यहाँ से जो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं किस तरीके से देखते हैं, क्या नाम? अखिलेश, मेरा नाम है फैज। अखिलेश यादव ने यहाँ विकास किया है, एक्सप्रेस वे बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है, और आप बात कर रहे हो अपर्णा यादव की, अपर्णा यादव दो लोगों के यहाँ के नाम नहीं बता पाएंगे मौजूद लोगों के, जीतेंगे क्या वो? लगता है कि अपर्णा यादव के आने से यहाँ पर कुछ ना कुछ राजनीतिक हलचल होगी, ऐसा क्या लगता है आपको? अगर यहाँ से अपर्णा यादव आएंगी तो वो और ज्यादा वोटों से हार के जाएंगी। लोगों का यहाँ कहना है कि अपर्णा यादव जो आएंगी तो वो काफी वोटों से हारेंगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं कि क्या मुद्दा रहेगा। एक और युवा है यहाँ पर जो अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या मुद्दा रहेगा उसको लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके से उनका रुझान रहेगा? भी भरमार है, महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, विकास मुद्दा, और जो किसान सम्मान निधि की बात हो रही है वो किसान अपमान निधि है। 17 रुपया रोज के अगर दे रहे हो, ये सम्मान नहीं अपमान है किसानों का। और यहाँ रिकॉर्ड मतों से करहल, उत्तर प्रदेश देखने वाला है, करहल से रिकॉर्ड मतों से जीत होने वाली है इस बार।
रिकॉर्ड बनेगा करल से। हालांकि अभी तक जो है यहाँ पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, कल नामांकन है, कल 31 तारीख है, कल के बाद 1 तारीख तक यहाँ नामांकन होगा, लेकिन बीजेपी ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारा है। उसी को लेकर यहाँ की जो करहल की जनता है, हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं कि जो करहल की जनता है किस तरीके से देखती है अखिलेश यादव को, और बीजेपी जो है वो अभी कैंडिडेट नहीं उतारा है। लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कि एक अर्पणा बिष्ट जो है मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधु है, वो यहाँ से चुनाव लड़ सकती है, उसको लेकर और लोग भी हमारे साथ जो हमसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन यादव है। विपिन यादव जी, अगर यहाँ से अर्पणा बिष्ट चुनाव लड़ती हैं तो किस तरीके का जनता का रुझान रहेगा? अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जो है दोनों लेकर वो पुत्र वधु हैं उनकी, क्या रहेगा रुझान? अर्पणा यादव को यहाँ कितना समर्थन मिलेगा लोगों का? पहले तो अपर्णा यादव को जो बता रहे हैं वो आप बता रहे हैं, यहाँ पब्लिक उनको नहीं जानती है, वो सिर्फ इसलिए जानती है कि वो नेताजी के घर की एक बहू है, बस वो बहू के नाते जानते हैं, यहाँ पब्लिक उनको नहीं जानती, ना कोई उनको यहाँ कभी आई हुई है, वो सैपी में उनका आना जाना भी नहीं। और रही बात वोटों की, तो यहाँ पब्लिक जब उनको जानती नहीं तो वोट क्या करेगी, वो कभी आना जाना नहीं हुआ। बाकी वो आए होली को, उनका सम्मान है, सारे छोटे हैं, उनकी भाभियाँ लगती हैं तो वो सम्मान करेंगे होली को, होली खेलेंगे उन पे, बाकी वोट तो अखिलेश यादव को ही जाएगा। लोगों के नाम भी नहीं पता ना मौजूद लोगों के। यहाँ पर और भी जनता मौजूद है जिनसे हम जानेंगे, यहाँ पर जो अपना यादव है, अपना यादव यहाँ से लगातार जो है नाम उनका सुर्खियों में आ रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि प्रत्याशी यहाँ से भी नहीं मिला है, लेकिन नाम अपना यादव का ही निकल कर आ रहा है। अपना यादव बिष्ट गुप्ता गौ या अपना यादव उनका यादव, यहाँ से कोई सरोकार नहीं उनका, कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से महिला की कोई जात नहीं होती है, महिला जो है जिस जात में चली जाती है वही सरनेम हो जाता है उसका, उसको लेकर महिला पुरुष की बात नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव ही है, यादव की बात कर और कोई है ही नहीं। यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं, कोई यहाँ विकास का मुद्दा है, यहाँ जनमानस में सिर्फ जो है अखिलेश के अलावा कुछ नहीं। अरे बीजेपी को अभी तक कैंडिडेट नहीं मिला है, और मिलेगा भी तो समाजवादी पार्टी से आयातित करके या दल मोल लेके खरीद के तब कैंडिडेट पैदा कर रहे हैं, कोई कैंडिडेट ही नहीं है बीजेपी। जिस तरीके से यहाँ लोगों का रुझान मिल रहा है कि ये जो अर्पणा बिष्ट जी हैं जो मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधु हैं उनको लेकर जो चर्चाएं यहाँ पर चल रही थी, यहाँ के लोग जो गए वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत से लोग हैं जो उन्हें जानते भी नहीं है, लेकिन और भी हमारे साथ इस समय मौजूद हूँ विधानसभा करहल के बाजार में, यहाँ भी और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव के पुत्र जो है अखिलेश यादव यहाँ से नामांकन कल करेंगे, उसके साथ साथ बीजेपी के प्रत्याशी को भी यहाँ पर अर्पणा बिष्ट जो है उनका नाम निकल के चर्चाओं में आ रहा है। अर्पणा यादव या अगर यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो अखिलेश यादव के लिए कितनी टक्कर होगी, क्या माहौल रहेगा उनके लिए? आदरणीय नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने अर्पणा यादव क्या? मैं ये मानता हूँ कि अगर मोदी और हिंदुस्तान में नहीं हो तो अमेरिका से ट्रंप भी आ जाए तब भी उनको हरा नहीं सकते, और कम से कम 2,00,000 वोटों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा यहाँ से किसी का एक वोट नहीं पड़ेगा। एक कुल मिलाकर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आखिर में एक राजनीतिक घराने की एक वो भी बहू है, उनका भी यहाँ घराना रहा है, कुल मिलाकर की जो यहाँ की जनता है वो क्या बिल्कुल ही उनको स्वीकार नहीं करेगी? देखिए ये परिवर्तन की लहर है, यहाँ परिवार और उसके मतलब नहीं है, यहाँ परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन की लहर में, और अखिलेश यादव की आंधी चल रही है, और आंधी में छोटे मोटे उड़ जाते हैं, पत्ते उड़ जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ जो करहल की जनता है वो करहल की जनता लगातार यही कह रही है कि अर्पणा बिष्ट जो है वो यहाँ से अगर कुल मिला के अगर यहाँ पर चुनाव लड़ती है तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ पर उनका जो है कोई वोट बैंक नहीं है, लोग उन्हें यहाँ जानते तक नहीं है, जो भी है यहाँ अखिलेश यादव का काफी रुझान है, और अखिलेश यादव को लेकर यहाँ का जो मतदाता है वो उनके लिए मन बना चुका है। NVT के लिए मैनपुरी से आशीष सक्सेना।